कौन से विचार हैं जो कि नेगेटिव है, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे कि पैसा इंसान से गलती करवाता है, पैसे वाले लोगों के पास घमंड होता है, सारे रिश्ते पैसे से ही बनते हैं, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव शब्द होते हैं। आज बन करके हम उन शब्दों के बारे में सोचेंगे और उन शब्दों को रिमूव करेंगे अपने ब्रेन से, और पैसे के पॉजिटिव फायदे क्या हैं उसके बारे में सोचेंगे। पैसे के पॉजिटिव फायदे मतलब आप भौतिक वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, जैसे कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, मेरे पास BMW कार नहीं है, नहीं, मेरी सुख सुविधाओं के लिए पैसा किस प्रकार से मेरे काम आता है, जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं, खाना पीना रहना, इस टाइप की सुख सुविधाओं में पैसा मेरे लिए किस काम आता है, उन चीजों के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके पैसे को लेकर जो बुरे विचार है उन बुरे विचारों के बारे में सोचेंगे, साथ में ये सोचेंगे कि ये विचार हमें रखने का फायदा भी है या नहीं है, और तीसरा एंड इम्पोर्टेंट, अगर कोई ऐसा विचार आपकी लाइफ में सिचुएशन के विचार अकॉर्डिंग आ रहा है तो भी मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो सभी आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। हर बुरे विचार के बारे में सोचेंगे जो पैसे को लेके आता है, क्या वो विचार मेरा अपना है या समाज ने मुझे प्रोग्राम कर दिया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है पैसे के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया, मेरा पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस क्या, उस चीज पे फोकस करेंगे। पैसे से आज तक जीवन में मुझे फायदे क्या हुए हैं, पैसे से आज तक जीवन में मुझे नुकसान क्या हुए हैं, और पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसकी जरूरत मुझे हमेशा रहती है, तो उसके प्रति मेरी विचारधारा क्या होनी चाहिए। पैसा मेरे लिए क्यों जरूरी है और पैसे के प्रति मेरी विचारधारा अच्छी है या बुरी है, हर एक पैरामीटर पर विचार करेंगे। जो विचारधारा आज की डेट में मैं पैसे के लिए रखता हूँ, क्या वो सही है, क्या पैसा सच में घमंड लाता है, और अगर पैसा मेरी रोज की जरूरत है तो पैसे के लिए मेरी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम लोग विचार करेंगे।
अब हम सोचेंगे अगर पैसे के प्रति हमारी विचारधारा बदल जाए और पैसे को हम पैसा ना समझ के अपना एक ऐसा मेहमान समझे, एक ऐसा वफादार साथी समझे जो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे काम आ सकता है, मेरे परिवार के काम आ सकता है, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो मैं उस मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहूंगा, कैसा व्यवहार करना चाहूंगी। एक मेहमान के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो, अगर मेरे तो मैं उसका कैसे वेलकम करूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा। और सोचेंगे पैसे के बारे में, अगर हमारे पास पैसा है तो वो हमारी जरूरतों का ख्याल कैसे रखता है। आकाश भैया आप म्यूट हो गए। नहीं मैं क्लास में ही हूँ। जी जी मैं क्लास में हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना विजुलाइजेशन करें, उस बारे में विचार करें, उन चीजों पर विचार करें जो मैं बोल रहा हूँ। पैसा अगर मेरा सबसे वफादार साथी है तो उसके साथ मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। अब सोचिए सभी प्रकार की चीजों पर विचार करने के बाद क्या मेरी पैसे के प्रति विचारधारा क्या होनी चाहिए और पैसे के प्रति क्या मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार होना चाहिए, और होना चाहिए तो उस हर नेगेटिव विचार को से मुझे क्या मिल रहा है। अगर कोई फायदा मिल रहा है तो विचार को रखेंगे, अदरवाइज अपने माथे पे काटा लगाएंगे और बोलेंगे रिमूव, माथे पे काटा लगाएंगे और बोलेंगे रिमूव, और हर बैड विचार को रिमूव करेंगे और अपने दिमाग में जगह बनाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि अगर मेरे दिमाग में 1000 विचारों की जगह है तो 1000 किताबें रखी हैं, और कल हम उन 1000 किताबों में कुछ नई मेमोरी डालेंगे और अभी हम सारी की सारी बैड मेमोरीज को रिमूव करेंगे
ऐसा कि बुरे विचारों की लाइब्रेरी को खाली किया जा रहा है। नेगेटिव विचारों की लाइब्रेरी को खाली करते हुए खुद को महसूस करें और अपने दिमाग की लाइब्रेरी से उस हर किताब को, हर विचार को निकाल कर कबाड़ी को बेच दें जो आपको नुकसान दे रहा है। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहिए, हाथ पर हिलाते रहिए। लाइब्रेरी खाली कीजिए, ताकत लगाइए, हाथ से उठा उठा के पूरे विचार, पैसे के प्रति पूरी धारणा, पैसे से हुए पास्ट के नुकसान, उन सब को लिखिए और उस किताब को फेंक दीजिए, उस किताब को बेच दीजिए। जल्दी कीजिए, पूरी तेजी से काम कीजिए, पूरी लाइब्रेरी खाली कीजिए। दिमाग में सिर्फ पैसे को लेके पॉजिटिव विचार होने चाहिए, नो नेगेटिव विचार, खाली कर दीजिए। किसी से लेना है तो उम्मीद कीजिए कि पैसा आ रहा है, पैसा आ गया। किसी का देना है तो मैं ईमानदारी से दूंगा, मैं अपने सही वक्त आने पे ईमानदारी से दूंगा। और पास्ट में आज से पहले जो भी पैसे को लेके नुकसान, बुरी धारणाएं, पैसों की वजह से जो रिश्ते खराब हुए हैं, उन सब चीजों को भूल जाएंगे और उन किताबों को फेंकना शुरू करेंगे। पास्ट पास्ट इस लाइब्रेरी में कुछ बचा तो नहीं, एक बार हर एक विचार को रिचेक करेंगे, हर एक विचार को रिचेक करेंगे, हर एक विचार को रिचेक करेंगे।
संपूर्ण लाइब्रेरी को खाली करते रहिए, एक बार फिर फाइनल चेकअप करते रहिए। बहुत बढ़िया, एक बार सभी अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे, सभी अपनी सीट पर खड़े हो जाएंगे और पैसे का कुछ इस प्रकार से अपने जीवन में वेलकम करेंगे कि ये मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाली एक एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो मेरे भौतिक जीवन के अंदर मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, खाने की पूर्ति के लिए ये एनर्जी दिन रात हमारे साथ जुड़ती है और सब मिलके इस ऊर्जा का वेलकम करेंगे। दोनों हाथों से पैसे का वेलकम करेंगे, अपने घर में पैसे को वेलकम करेंगे और बोलेंगे कि डियर मनी, ये तुम्हारा घर है और इस घर के अंदर तुम्हारा हमेशा वेलकम है। आओ मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दो। डियर मनी, मेरे घर पर आओ, मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दो। इस घटना को अगले 5 से 7 मिनट इसी प्रकार दोहराएंगे। लेकिन अगर पैसे जैसी ऊर्जा को आप घर बुला रहे हैं और एक मेहमान के रूप में बुला रहे हैं तो आपके अंदर एक जबरदस्त जोश होना चाहिए, एक वार्म वेलकम होना चाहिए। मनी का वो वेलकम कीजिए जोश के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने घरों में गद्दों के नीचे, तकियों के आसपास, सोफे पे, घर की तिजोरी में, घर के मंदिर में, हर जगह पैसे को महसूस करेंगे। हर जगह कोई ना कोई नोट आपको मिलेगा, आप पैसे को महसूस करेंगे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओपन योर आईज ओपन योर आईज ओपन योर आईज। आज जो पैसे को लेके हमने अपने ब्रेन के अंदर एक स्पेस बनाया है, एक बिलीफ सिस्टम बनाया है मनी को लेके हमने दिमाग के अंदर, अब उस बिलीफ सिस्टम के बिहाव पे हम अपने दिमाग के इस खाली स्थान को पूरा करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे जो आज से पहले हमने किसी क्लास के अंदर नहीं किया। जो कुछ भी होगा पैसे से रिलेटेड होगा और परसों से हम अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी एक विनती है कि क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट ना लेट हो जाती है, तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि क्लास शार्प टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर लें और अपना आशीर्वाद मुझे दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। एंड ट्रस्ट मी, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे जेब में पैसा नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं आते हैं या मेरे काम नहीं बनते हैं पैसे को लेके या मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि इस एक्टिविटी के बाद 200% आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।